राधिक फिल्म के बारे में मैं अपडेट देने वाला हूँ। ये फिल्म ओटीटी स्पेस में काफी बड़ी हिट साबित हुई है। फर्स्ट डे हो या फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक हो या थर्ड वीक हो, इस फिल्म का बस बहुत ही स्ट्रांग रहा है। और इससे भी पता चलता है, किसी फिल्म के बस से भी पता चलता है कि वो फिल्म कितनी लोगों में लोकप्रिय रही है। यानी कि अगर राधे की बात करें तो टॉप 5 ओटीटी ओरिजिनल जो था पहले इस महीने के सेकेंड वीक की अगर बात करूं, मई महीने के यानी कि 7 तारीख से 13 तारीख का जो था फर्स्ट वीक, तो वहां पर नंबर 1 पर थी राधे फिल्म। और उसके बाद 14 से लेकर 20 तक का जो थर्ड वीक था वहां पर भी राधे नंबर 1 पर रही। लगातार सेकेंड हफ्ते राधे नंबर 1 पर रही। और अब तीसरा हफ्ता जो मई 21 से मई 27 का है, इस तीसरे हफ्ते में राधे फिल्म अब जाकर सेकंड नंबर पे आई है। यानी कि ऑलमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 5 ओरिजिनल ऑफ द वीक में यहां पर राधे फिल्म आखिर तीसरे हफ्ते में जाकर नंबर 2 पोजीशन पे आई है। उसके अलावा पहले दूसरे हफ्ते में ये नंबर 1 पोजीशन पे थी। यानी कि अगर बात करें फर्स्ट पे क्या है, तो फर्स्ट पे द फैमिली मैन सीजन 2, सीधी सी बात है। सेकंड पे राधे, थर्ड पर तांडव, फोर्थ पे द लास्ट अवर है, फिफ्थ पे नवंबर स्टोरी। यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर बात ये होता है कि किसी फिल्म या वेब सीरीज जो आ चुकी है या आने वाली है उसके बस के आधार पर ये रिपोर्ट तय की जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे सवाल में पूछे यार वो तो आया नहीं सीरीज, ये तो आया नहीं, तो कैसे वो? जो बस है ओटीटी का, जो बस होता है ऑनलाइन जो बस होता है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट आधारित है। और राधे 2 हफ्ते तक नंबर 1 पर रूल करी और बस के हिसाब से अब जाकर लगभग इस फिल्म को, जो कि तीसरे हफ्ते में उतर चुकी है, अब जाकर इस फिल्म को सेकेंड रैंक हासिल हुआ है ओटीटी ओरिजिनल ऑफ द वीक के हिसाब से। और टॉप 5 में से ये सेकेंड नंबर पर आई है, जो अपने आप में एक प्राउड वाली बात है। तो कई लोग शायद इसका मजाक उड़ा रहे थे इस खबर का कि सेकेंड नंबर पर आ गई। अरे सेकेंड पर आई, आखिरी नंबर पर नहीं गई है जो इतना टेंशन ले रहे हो। तो कुल मिला के आप कितने खुशी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि बहुत हक्की खबर है ये। उन्हें जरूर बताइएगा जिनको लग रहा है कि फिल्म फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म का बस देख सकते हैं अभी भी सेकंड नंबर पर ही है। इससे साफ पता चलता है ये फिल्म लोगों में कितना सलमान खान की एक्साइटमेंट है और इस फिल्म को लेकर कितना लोग एक्साइटेड है। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय।